हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कैटलॉग को डिजाइन करते हैं। इसमें हमारे पास कंटेंट है, कुछ फोटोग्राफ्स भी क्लाइंट ने दी है और हमें एक आइडिया दिया है। हमें एक फोल्डेबल जो है कैटलॉग बनानी है, जिसका साइज हमें रखना है 12 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर। तो और ये 3 फोल्ड की बनेगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि हम कैसे कैटलॉग को तैयार करते हैं। पहले हम ये चीजें देख लेते हैं जो हमें क्लाइंट के द्वारा दी गई हैं। अब ये कोरल ड्रॉ हमने ओपन कर लिया है और इसे थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। हमारे पास ये चीजें हैं, हमारे पास टोटल 6 पेजेस हैं जो हमें तैयार करने हैं इसमें, और 4 पेजेस का कंटेंट हमारे पास है। और इसके अलावा हमारे पास जो 2 पेजेस ब्लैंक बच जाते हैं, उसमें एक में फ्रंट रहेगा कैटलॉग का और एक में बैक साइड रहेगी कैटलॉग की। अब जो चीजें हमें प्रोवाइड की गई हैं, वो उन पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। हमारे पास एक तो ये जो फोटोग्राफ्स हैं, ये हमें प्रोवाइड की गई हैं, और दूसरी जो चीजें हैं, हमें एक फुटर प्रोवाइड किया गया है और एक लोगो भी प्रोवाइड किया गया है कंपनी की तरफ से। अब ये जो पिक्चर्स आप ऊपर देख रहे हैं, ये कैटलॉग था पहले ऐसा किसी का, तो ऐसा ही कुछ डिजाइन कंपनी को चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ पे चलते हैं और सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके इसका साइज ले लेते हैं। साइज हमें चाहिए 12 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर, तो इसे यहाँ पे सेंटीमीटर्स में ले लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे 12 बाय 18। अब हमें जो टोटल साइज चाहिए, मैंने वो स्केल को इंचेस में चेंज कर दिया। अब हमें टोटल जो साइज चाहिए वो 3 पेजेस फ्रंट चाहिए हमें और 3 पेजेस बैक चाहिए। इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे जिससे इसकी फुल वैल्यू जो है फिगर की आ जाए और ये सेम कॉपी हो जाए। राइट क्लिक कर देंगे कॉपी करने के लिए और फिर आप कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हैं जिससे एक और रिपीट हो जाएगा। अब हमें ये जो है ब्रोशर का जो आउटर है वो मिल गया है, हमें इतना चाहिए। तो हमारा जो साइज आ गया है वो आ गया 14 इंचेस बाय 7 इंचेस अप्रोक्स। तो हम पेज का साइज चेंज कर लेते हैं। अभी आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है स्क्रीन पे, तो आप आराम से पेज का साइज चेंज कर सकते हैं। अब आप जो भी साइज यहाँ ऊपर भर देंगे वो जो है साइज पेज का ही साइज आ जाएगा। फिलहाल 15 बाय 8 ले लेते हैं। तो ये जो साइज है पेज का, ये चेंज हो गया हमारा। और अब हम इन तीनों बॉक्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं। ऊपर से भी आप ग्रुप कर सकते हैं यहाँ, या कंट्रोल जी से भी आप कर सकते हैं, ग्रुप की शॉर्ट कमांड होती है। ग्रुप करेंगे और पी प्रेस करेंगे, पी से सेंटर ऑफ पेज आ जाता है। जो भी आपने चीज सेलेक्ट करी है उस वो जो होती है वो सेंटर ऑफ पेज आ जाती है। अनग्रुप कर लेते हैं हम इसे। अब हमारे पास ये जो 4 पेजेस के कंटेंट है, इन्हें हम बारी बारी से इनमें सेट करते जाएंगे। जैसे एक ये वाला जो है पहला, ये हम यहां ले लेंगे, दूसरा हम यहां ले लेते हैं और ये हो गया हमारा तीसरा। 3 पेजेस हमारे ऑक्यूपाई हो गए हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल्ट मैंने प्रेस किया है, जो भी चीजें टच होंगी वो सब सेलेक्ट हो जाएंगी। ऑल्ट प्रेस करके आप जितना भी कर्सर मूव करते हैं और जो भी उसे टच करती है बाउंड्री लाइन को, वो सारी चीज सेलेक्ट हो जाती है। अब जैसे दोबारा करके देखते हैं, ऑल्ट मैंने प्रेस किया है, अब ये मैंने माउस घुमाया तो ये देख रहे हैं आप जो चौरस बन रहा है, जो स्क्वायर या रेक्टेंगल बन रहा है, ये जिस जिस को भी टच करेगा वो चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी। अब तीनों बॉक्सेस हमारे सेलेक्ट हो गए हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और एक और यहाँ नीचे प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज ऐड हो जाएगा। पेज ऐड हो गए, इस पे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो है जो हमारा एक और जो मैटर है, ये हम यहाँ सेट कर लेते हैं। 2 पेजेस हमारे बच गए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। इसे हम फाइल को सेव कर लेते हैं और अब हम चलते हैं फोल्डर की तरफ। तो हमारे पास एक ये फुटर दिया गया है और एक ये लोगो भी है हमारे पास। इन दोनों को पहले हम लोगो ले लेते हैं, कॉपी कर लेंगे और दोबारा कोरल ड्रॉ में चलेंगे। ऑल्ट टैब प्रेस कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को शिफ्ट करने के लिए। ऑल्ट टैब प्रेस करते हैं तो ऐसा कुछ दिखाता है, जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं सारे नजर आ जाते हैं। इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अब हम फुटर पे जाएंगे, फुटर को भी कॉपी कर लेंगे। ये तो हमें पार्टी ने पहले से ही जो है उनका जो चलता रहा होगा, जो सेम फॉर्मेटिंग रहती है, वो उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया है। इन दोनों को हमने ग्रुप कर लिया
और ये वाला जो लोगो है ये हम फ्रंट बनाएंगे, ये हमें यहाँ चाहिए होगा। अब क्या करेंगे, इसे भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये जो चीज है, अब हम पेज के साइज देख लेते हैं। पेज का जो साइज है हमारा, विड्थ जो है 4.724 पर शो कर रहा है, इसे यहां से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी हमने इसलिए किया है क्योंकि अब हमें ये जो साइज है इसकी विड्थ का, वो भी फोर वही सेम साइज सही जो ऊपर था। उससे पहले सेम साइज हम करने से पहले से हम यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद ये जब हम कोई भी एक फिगर भरते हैं ऊपर साइज में, तो वो प्रोपोर्शनेटली काम करता है। मान लीजिए अभी मैंने बिना लॉक लगाए ही यहाँ पे वैल्यू फिल कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो जो इसका प्रोपोर्शन है वो आप देख सकते हैं कि खराब हो गया है। वो सिर्फ एक ही तरफ से छोटा कर दिया है उसने। इसे कंट्रोल जेड कर देंगे, कंट्रोल जेड अंडू होता है, और अब दोबारा इस जो लॉक दिया हुआ है छोटा था, इसे हम क्लोज कर देंगे। और फिर अब हम यहाँ वैल्यू पेस्ट कर देंगे जो हमने साइज कॉपी किया था, और फिर अब इसे एंटर करते हैं। तो अब ये चारों तरफ से छोटा हुआ है, तो हमारे पास जो फिगर है वो बिल्कुल ठीक है और वो खराब नहीं हुई है बिल्कुल ही। इसे सेंटर कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के बॉक्स को, आउटर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और सी प्रेस करेंगे, सेंटर हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस करके इसे नीचे से ले आएंगे, सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो दो पेजेस आए हैं, थोड़ी सी हम पिक्चर्स भी देख लेते हैं जो जो हमारे पास अवेलेबल है। यहां से अब मुझे हमें कुछ नहीं लेना है, अब हमें सारी जो चीजें हैं वो क्रिएट करनी है। और ये है हमारे पास कि हम इसमें से अब क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी है हमारे पास। तो मेरे ख्याल से जो हमारा बैक पेज है उसके लिए मुझे ये वाली पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि हमारे पास इस पेज भी ऐसे कॉपी कर लिया हमने। आप इनमें इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, चाहे तो आप ये फ्रंट में भी यूज कर सकते हैं, पिक्चर काफी अच्छी है। इसे हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसे हम दो तरह से ट्राई करके देख सकते हैं। एक तो यही हो जाएगा कि हम इसकी विड्थ सेम कर देंगे, ये यहाँ पे प्रेस हो जाएगा, बट उसके बाद हमारे पास ऊपर और नीचे थोड़ा सा स्पेस बच जाता है। तो फिलहाल इसे कॉपी करके रखते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ये जो है इसे हम 90 डिग्रीज पे रोटेट कर देंगे। रोटेट हम इसलिए कर देंगे ताकि हम हॉरिजेंटली इसे चेक कर सकें, पर ये ऐसे भी फिगर थोड़ी सी बड़ी ही रहेगी। इसे फिर भी चेक कर लेते हैं एक बारी। अब जो इसकी विड्थ है इसे दोबारा से हम कॉपी करेंगे, और अब हम ये अंदर की जो फिगर है इसे हमने सिलेक्ट कर लिया है, और दोबारा से यहाँ लॉक हमारा पहले से ही क्लोज्ड है, यहां पर हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप एंटर मारते हैं तो वो चारों तरफ से इंक्रीज हो जाती है फिगर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम शिफ्ट दबाएंगे और इस बॉक्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे, टी प्रेस करेंगे जिससे वह टॉप अलाइन हो जाए, और सी प्लस करेंगे। टी और सी प्रेस करने के बाद अब ये पूरे पेज पे आ गई है। इसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ऑर्डर पे जाके टू बैक ऑफ पेज कर देंगे, कंट्रोल एंड इसकी शॉर्ट कमांड होती है, ये हमने कर दिया है। अभी इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अब इसमें आगे के लिए अब हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक और बॉक्स ले लेंगे, इसी से एक बॉक्स बना लेते हैं। यहां से बॉक्स बनाने के बाद सेम साइज हम ऊपर फिल कर देते हैं जो हमने पहले कॉपी किया था, एंटर प्रेस कर दिया। हमारे पास जो है विड्थ जो है सेम आ गई है। इसे सेंटर कर लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और सी प्रेस करेंगे। सेंटर करने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम, और इसमें व्हाइट फिल कर देंगे। आउटलाइन को हम नील कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे क्रॉस पे तो वो आउटलाइन नील हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सारे मैटर को पीछे वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे टू फ्रंट ऑफ पेज कर देंगे, कंट्रोल होम। ये सारा मैटर ऊपर हो गया है हमारे पास। अब हम इसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे जिससे वो बिल्कुल सिदाई में, बिल्कुल सीध में नीचे आए। ये हमारे पास आ गए, इसे यहां तक कर लेते हैं। अब इसमें एक देखने वाली बात यह है कि या तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, इसे थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा गैप कर लेते हैं इसमें, इसे भी अनग्रुप करके इसमें भी थोड़ा हम गैप ले लेते हैं, जिससे वो ग्रीन पार्ट और ये जो हमारा व्हाइट पार्ट है ये बिल्कुल ही अलग हो जाए। अब हमारे पास ये तो हो गया है। हमारे पास चाहे तो आप ये व्हाइट पैच रख सकते हैं,
लेकिन अगर इसे और अच्छा दिखाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी डाल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है कि जो नीचे की आपकी बैकग्राउंड है वो भी आप देख सकते हैं और ऊपर का टेक्स्ट भी आप देख पाएंगे। उसकी परसेंटेज जो है हम सेट कर सकते हैं कि कितनी हमें चाहिए। ये जो टूल होता है ट्रांसपेरेंसी का होता है, और इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास ऊपर ये जो है ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं इसमें अलग अलग तरह के वो दिए गए। फिलहाल हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी दी हुई है। यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी में ये होता है कि वो सारी जो चीजें हैं एक ही साथ में हल्की होंगी, उसमें कोई भी ग्रेडियंट या कोई शेड या कोई सर्कल वगैरह नहीं बनेगा। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने इसे सिलेक्ट किया आप देख सकते हैं कि ये जो है थोड़ी हल्की हमें दिख पा रही है। अभी क्या है, हमें नीचे का भी दिख रहा है और ऊपर का भी दिख रहा है, क्योंकि ये 50% है, 50% वाइट है, 50% ट्रांसपेरेंट है। इसे हम यहां से ऊपर नीचे कर सकते हैं और देख सकते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पे 98% कर दिया है तो बिल्कुल फुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसलिए आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि पहले ऐसा था और अब ये ऐसा हो गया है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप ये लीवर को कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हल्का आप देखते देख भी सकें और उस पर रह भी जाए। फिलहाल मेरे को ये वैल्यू ठीक लग रही है, इसे रहने देते हैं और सेव एज कर लेते हैं इसे फाइल को। हमारा जो है ये एक पेज लगभग तैयार हो गया है बैक का। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रंट पेज पे चलते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं और एक और पिक्चर जो है वो हम देख लेते हैं। फ्रंट के लिए मुझे ये वाली पिक्चर थोड़ी अच्छी लग रही है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसे भी हम यहाँ पेज कर देते हैं। पिक्चर अच्छी है, इसे भी हम 90 डिग्री इस पे रोटेट कर लेंगे, जिससे हम ज्यादा उसकी, क्योंकि हमारे पास फ्रंट में सिर्फ लोगो ही है लगाने को, तो अब हम इसे 90 डिग्री पे हमने रोटेट कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे ये हम सेलेक्ट किया हमने, इसमें हम क्या है हाइट देखेंगे इसकी और हाइट को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि अब ये इमेज जो है लेंथ ही है और हमें पता है इसकी विड्थ कम है। तो अब हमने जो ये जो हमारा ब्लॉक है वो पहले से ही बंद है, तो यहाँ पे अब हम पेस्ट करेंगे और इसे एंटर मार देंगे, जिससे वो प्रोपोर्शनेटली छोटा हो जाएगा। अब इस जिस भी हमें बॉक्स में लगाना है उसको सिलेक्ट करेंगे और राइट कर देंगे, आर प्रेस करेंगे जिससे राइट अलाइन हो जाए, और ये जो है हमारे पास एक और पेज जो है लगभग इसका तैयार हो गया है। जो लोगो है इसे हम यहाँ सेंटर में भी रख सकते हैं और इसी पे राइट क्लिक करके पहले हम इसे फ्रंट में ले आते हैं। कंट्रोल होम इसकी शॉर्ट कमांड होती है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करेंगे इन इस पिक्चर के साथ और इसे ई प्रेस करेंगे, जिससे ये हॉरिजेंटली भी जिससे ये वर्टिकली भी सेंटर हो जाए आपका। ये अब सेंटर हो गया है, इसे सेव कर लेते हैं। अब ये जो दो पेजेस हैं ये हमारे लगभग तैयार हो गए हैं। उसके बाद अब हमारे पास बचते हैं आगे के और चार पेजेस और एक ये वाला पेजेस बचता है। टोटल हमारे पास चार पेजेस जो है बट जाते हैं। इसमें आपको फॉन्ट जो है कोई सा भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। फिलहाल मैं इसमें ये फॉन्ट मुझे पसंद है, मैंने ये इसमें लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं और ये जो इसकी हेडिंग है इसे हम बोल्ड कर लेते हैं और जो थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं इसे या 13। सेव कर लेंगे इसे और इसमें भी हमारे पास कंपनी ने कुछ पिक्चर्स दिए। ये देखिए ये बड़े ही ना बेसिक डिजाइन है जिसमें हम थोड़ी सी पिक्चर्स को ही देखिए। अभी जो मैंने अभी ये जो फ्रंट और बैक तैयार किया है बहुत ज्यादा हमने टाइम नहीं लिया, हमने सिर्फ पिक्चर्स की प्लेसमेंट करी है जिससे ये जो है अभी देखने में अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा सा भी अभी तो हमने कलर्स के साथ खेलना भी नहीं शुरू किया, कुछ भी नहीं किया इस डिजाइन में, सिर्फ हमने प्लेसमेंट की है जिसके बाद ये रिजल्ट है। अभी जब सारे पेजेस बन जाएंगे तो हम इसे अच्छी तरह से देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो कैसा आ रहा है और कैसा ये हमें अच्छा लगेगा। अब हम ये चलते हैं दोबारा दूसरे फोल्डर की तरफ
और इसमें से अब हमें कुछ और मसाले चाहिए होंगे। मेरे ख्याल से हम ये वाला इसमें पिक्चर ले सकते हैं, इसे देख लेते हैं। ये पाउडर स्पाइसेस है, होल एंड पाउडर, मतलब दोनों ही तरह के स्पाइसेस हैं इसमें। तो आप मेरे ख्याल से ये इमेज ठीक रहेगी, ये ले लेते हैं। इसमें मिक्स है, इसमें साबुत मसाले भी हैं और वैसे भी हैं, थोड़ा सा सूट करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सेम इसकी विड्थ कॉपी करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप भी विड्थ कॉपी करें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा इसमें कंटेंट नहीं है, तो इसलिए हमें जो है स्पेस को भी हमें एक सिस्टमेटिक वे में कंज्यूम करना है, जो अच्छा भी लगे और बहुत ज्यादा बेकार भी ना लगे। और जैसा कि क्लाइंट ने हमें एक जो डिजाइन है वो हमें दिखाया है, तो उससे हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा हॉचपॉच डिजाइन जो है वो क्लाइंट को नहीं चाहिए। तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हम उसे ज्यादा से ज्यादा सिंपल रखें, बट इफेक्टिव भी रखें। इन्हें हम कट कर लेते हैं और दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, जिससे ये उसका पार्ट लगेंगे। एक और चीज मैं यहाँ करना चाहूंगा, यहाँ से हम एक बॉक्स बना लेते हैं ऊपर, और यहाँ पे हम इसे टॉप कर लेते हैं, सेलेक्ट करके टी प्रेस करेंगे। अब ये जो चीजें हैं ये हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, और हम थोड़ा सा इसे आर्टिस्टिक वे में भी लिख सकते हैं। इसमें हम कोई कलर फिल कर लेते हैं हल्का, मान लीजिए मैंने ये कलर फिल कर लिया है। आउटलाइन इसकी कर देते हैं नील, और इस पे हम लिख देते हैं 4। फोर लिखा, इसे कोई बोल्ड फॉन्ट हम ले लेते हैं चूरा का। अब ये हमने एंटर मार लिया है इसमें, और अब हम इसे राइट अलाइन कर देते हैं ऊपर से राइट, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये कुछ जरूरी नहीं है हम ऐसा ही करें, ये तो सिर्फ हम इसे सजावट के लिए कर रहे हैं, सजाने का काम कर रहे हैं, जिससे ये थोड़ा सा बाद में और अच्छा दिखे। बस इसका और कोई भी मतलब नहीं है सजाने का। और ये जो है इसे हम और ऊपर से लेकर थोड़ा सा नीचे तक खींच लेते हैं। सेव भी आप साथ साथ करते रहिए, आप कोई भी काम करें जरूर। आप शेप टूल पे जाएंगे तो ये जब भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं शेप टूल पे, तो ऐसी डॉट्स आ जाती हैं उसके अंदर, और आप अगर ये जो है यहाँ पे नीचे साइन दिया गया है इसे नीचे पकड़ के खींचेंगे तो उसमें स्पेसिंग इंक्रीज होती जाएगी। अब हमारा पेज भी लगभग कंप्लीट हो गया है, और ये हमारे पास हो गया है कंप्लीट। इसमें हम थोड़ा सा कंडेंस फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम इसे और भी बड़ा कर सकें चाहे तो हम, पर ये थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा और हल्का फॉन्ट ले लेते हैं इसमें ऐसा, और इन्हें बड़ा कर लेते हैं और भी इसे। अब ये जो है हमारे पास 3 पेजेस जो है तैयार हो गए हैं, और अब हम चलते हैं बैक साइड की तरफ। अभी देखिए ये जो हमने पेज का जो लेआउट बनाया है ये हम सेम भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रंट और बैक तो बिल्कुल डिफरेंट हो ही गया है। तो फिलहाल अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं बैक पेज के लिए, जिससे हमें फॉर्मेटिंग करने में और भी आसानी रहेगी। और फर्स्ट पेज पे चलते हैं, नीचे से आप जा सकते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज, इस पे हम 1 प्रेस कर लेते हैं और ये मैटर जो है डिलीट कर देते हैं।
डिलीट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर आप कोई भी फॉन्ट यूज कर रहे हैं और सेम उसकी प्रॉपर्टीज दूसरे फॉन्ट में भी कॉपी करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आप इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए या तीनों को ही सिलेक्ट कर लेते हैं हम। और अब हम जाएंगे एडिट में। एडिट में ये यहाँ पे कमांड होती है कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, इसे क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स जो है आपके सामने ओपन हो जाता है। इसके अंदर ये पूछ रहा है आपको कौन सी जो प्रॉपर्टीज है और किसकी कॉपी करनी है। तो फिलहाल हमें टेक्स्ट प्रॉपर्टीज कॉपी करनी है। अगर आपको कलर भी उसका कॉपी करना है तो फिल भी कर सकते हैं, पर हमारे पास तो सभी चीजें ब्लैक कलर में ही है तो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपको वो भी करना है तो आप फिल पे भी टिक कर सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे तो एक ऐसा एरो आ जाता है और फिर आप जिस भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज कॉपी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप देख रहे हैं ये सारे जो है फॉन्ट्स अपने आप ही चेंज हो गए हैं। सेव कर लेंगे इसे और अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास ये जो कंटेंट है इसके अंदर हमारे पास ये जो हेडिंग है होल एंड पाउडर स्पेसेस, ये तो हमने लिखा ही हुआ है ऊपर, इसे भी यहां से हटा देते हैं फर्स्ट लाइन को। और अब आप इसकी प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि इस पेज में हमारा जो कंटेंट है थोड़ा सा ज्यादा है तो इसे हम रख लेते हैं यहाँ पे। और अब हम ऊपर से इसे कर लेते हैं लेफ्ट लाइन। आप शॉर्ट कमांड भी यूज कर सकते हैं कंट्रोल एल। और अब हम इसे यहाँ रखते हैं इसे। इसे हम क्या करेंगे, अब हम दो भागों में बांट लेंगे जिससे जो है हमारा जो मेटल है वो आराम से यहाँ पे फिट हो जाए। और यहाँ से कट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स से आप कट कर सकते हैं मेटल को और फिर ऊपर की तरफ हम पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया है हमारा। अभी इसे देखते हैं कि इसे और कैसे अच्छा बना सकते हैं। सेव कर लेंगे और ऐसे ही हमारे पास जो दो पेजेस बचे हैं उन्हें भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हमारे पास पहला पेज हो गया ये, इसी को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल प्रेस करेंगे और जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा हम राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक कर दिया, उसके बाद आप कंट्रोल आर कर सकते हैं रिपीट, क्योंकि हमारे जो बॉक्सेस की जो विड्थ है वो सेम है इसलिए वो रिपीट भी उसी ही पोजिशन पे रहेगा। यहाँ पे हम ये जो है गिनती ये चेंज कर देते हैं, ये 2 कर दिया है हमने और ये 3 कर दिया है। ये जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कैसे भी रख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। अगर आपको कुछ और अच्छा वो मिल रहा है तो आप वैसा कर सकते हैं, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, आप जो मर्जी चाहें कर सकते हैं, जो जैसा आपको पसंद हो वैसा आप रख सकते हैं उसे, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा जो चीजें हैं उन्हें आर्टिस्टिक बनाने के लिए सिर्फ ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगे, मोनोटोनस ना हो कि नहीं हर जगह एक ही कर दिया या प्लेन कर दिया, बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगे और अच्छा रहे। अभी जो रोस्टेड स्पाइसेस है ये इसकी हेडिंग है तो इसे ऊपर लिख लेते हैं। इसे हम दो लाइन में ले लेते हैं, जो ऊपर की लाइन है अब हम इसे हटा देते हैं ऊपर की लाइन को। और ये हमारे पास आ गया है। और ऐसे ही ये वाले जो है हमारे पास ब्लेंडेड स्पाइसेस इसकी हेडिंग है, इसे भी चेंज कर देते हैं। तो इसमें दो कॉलम्स दिए गए हैं, नीचे डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स भी दी गई है तो इसे हम कट कर लेते हैं और सेकंड पेज पे पेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें थोड़ा सा स्पेस है, तो यहाँ से हटा देते हैं और ये यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। अब हमारे पास जो पिक्चर्स है बिना पिक्चर्स के काफी प्लेन लग रहा है, अब हम इसमें से कुछ पिक्चर्स इसमें फिक्स कर देते हैं जिससे ये और भी थोड़ा सा अच्छा लगे। फिलहाल ये जो हम स्लाइडर्स है वो हम यूज कर सकते हैं, एक को ले लेते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पिक्चर काफी अच्छी है और अच्छे रेजोल्यूशन की है, इसके लिए हम वही विड्थ लेंगे इसकी, दोबारा से कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे जाके दोबारा से इसे पेस्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, सेम साइज आ गया है इस इमेज का, इसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक और चीज भी आपको ध्यान रखनी होती है इसमें कि जब भी आप ऐसी इमेजेस यूज करें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इसमें ये जो है मसाले नीचे गिर रहे हैं तो आप कभी भी इसे साइड में ना लगाएं,
क्योंकि जो गिरने की इमेज है ये हमेशा नीचे ही लगती है एक कायदे से अगर हम देखें, क्योंकि प्रैक्टिकली आप कोई चीज गिरा रहे हैं तो वो नीचे ही गिरेगी, वो हवा में ऐसे सीधी तो रह नहीं सकती। तो जब भी आप ऐसी इमेजेस यूज करें तो उसमें थोड़ी सी आप ध्यान रखें ऐसी चीजें कि ये वाली जो इमेज है तो नीचे ही लगेगी, इसे मैं खड़ा नहीं कर सकता। आप दूसरी इमेज पे चलते हैं, एक ये जो इमेज है इसे भी ले लेते हैं। इसे हम राउंड कर लेंगे, 90 पे घुमाते हैं और इसकी जो हाइट है, हाइट हम देख लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके। इसमें अब हम हाइट को जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं और हमारे पास ये आ गई है इमेज। इसमें हम फॉर ए चेंज यहाँ पे सेलेक्ट करके टी करेंगे और एल कर देंगे, जिससे हमारी फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सी चेंज हो जाए। अब हमारे पास जो है यहाँ पे ये जो स्पेस है इन सब मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर लेंगे। बॉक्स हमारा रह गया, बॉक्स को भी सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आर आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने मूव किया था तो वो ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। इसे हम सेंड टू बैक भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, नहीं तो टू को आप ऐसे ही सेंटर कर सकते हैं। ये वाला जो पेज है ये भी हमारा लगभग तैयार है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब हमारे पास कुछ इमेजेस भी हैं और एक दो पेजेस भी बचे हैं, तो वो भी हम कैसे यूज करेंगे उन्हें भी जरा देख लेते हैं। हमारे पास एक ये वाली इमेज है, अच्छी इमेज है, इसे हम जरूर यूज कर लेंगे। तो इसे आप यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा दीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है ये इमेज जो अच्छी है। यहाँ पे हम इसे साइड में ले लेते हैं और इसे सेंड टू बैक कर लेते हैं, जिससे हमारा कोई भी जो चीज है वो छुपे ना, छोटी कर लेते हैं इसे। या आप ये जो है यहाँ पे भी ये इमेज यूज कर सकते हैं और इसमें हम इसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये हम 3 लाइन करते हैं। ये जो चीज है ये हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, शिफ्ट दबाएंगे इसके साथ और टी प्रेस करेंगे, जिससे वो अलाइनमेंट उसका पूरा हो जाए। अब आप थोड़ा सा इसे और नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम करके इसे सेट कर लेते हैं। इसे हम टॉप भी कर सकते हैं, टॉप और आर कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी और भी बड़ी इमेज मिल सकेगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंजेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसमें अब हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, हल्का सा इसका साइज भी हम छोटा कर लेते हैं, 0.5 साइज छोटा कर लेते हैं। दोबारा से अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे शेप टूल से सिलेक्ट करेंगे और इसमें गैप बढ़ा लेते हैं। या अब इन दोनों में गैप बराबर होना चाहिए, तो उसके लिए आप एक और चीज कर सकते हैं, इसे अंडू कर देते हैं, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे पहले से ही ओपन है, ये राइट लगा हुआ है जिससे पता चलता है। यहाँ साइड में जाएंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे और ये जो है ये इसकी स्पेसिंग दी होती है लाइन की, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहाँ पे 114, यहाँ पे हम 120 कर लेते हैं। दोनों में अब वो जो है स्पेसिंग अब एक साथ बढ़ रही है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसे। अब हमारे पास वैसे तो कंप्लीट है पर ये जो एरिया है लगभग थोड़ा सा हमें खाली दिख रहा है, ये इसमें भी अगर कुछ फिट हो पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये देखते हैं इसमें क्या है, इमेज ये भी काफी क्लीन है और अच्छी इमेज है, इसे भी यूज कर लेते हैं। बट हमारा जो बैकग्राउंड है वो इसके साथ नहीं जा रहा है, तो इसे हम रिमूव करेंगे बैकग्राउंड को फोटोशॉप में ले जाके। इसे दोबारा हम ड्रैग करके फोटोशॉप हमने खोला हुआ है, फोटोशॉप में लेके चलते हैं और यहाँ पे हम मेरे ख्याल से ये जो मैजिक वैन टूल है इससे हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैजिक वैन टूल होता है दोस्तों ये, जिससे आप एक ही तरह की चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया, शेड्स को छोड़ दिया इसने
और ये थोड़ा सा ये जो कलर था इसे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके आप वहीं पे क्लिक कीजिए, तो ये उसने वो भी सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे जब भी आप इमेज में ऐसा कुछ करें तो इसे फेदर करना चाहिए। फेदर से क्या होता है कि हल्की जो होते हैं उसके जो पिक्सल्स होते हैं वो मिक्सिंग करने की पावर बढ़ जाती है, तो इसे हम फेदर करते हैं। शिफ्ट F6 इसकी शॉर्ट कमांड होती है, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं और इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, पहले हम इसकी सिलेक्शन जो है उल्टी करेंगे, शिफ्ट F7 उसकी शॉर्ट कमांड होती है, और आप यहाँ से कंट्रोल एक्स कर सकते हैं, कंट्रोल एन करके हम नई फाइल ले लेते हैं और इसे पेस्ट कर लेंगे, उसमें एंटर करेंगे और इसे पेस्ट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं। मैं डिटेल तौर पे इसे आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी फिलहाल हम कॉरल ड्रॉ पे काम कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने ज़्यादा इसमें नहीं बताया है आपको। आगे आने वाले आप वीडियोस में ये भी देखेंगे कि हम डिटेल कैसे फोटोशॉप में काम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इमेज आ गई है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और कॉरल ड्रॉ में पेस्ट कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारे पास क्लीन इमेज आ गई है जिसे अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये इमेज वहां यूज किया है तो हम क्या करते हैं, इसको भी दो भागों में बांट लेते हैं, कंट्रोल एक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं दोबारा से। ये जो है इसे भी हम सेलेक्ट करके नीचे ले आते हैं, यहाँ पे सेंड टू बैक कर लेते हैं इसे इमेज को। हमारे पास ये वाला जो पेज है अब ये भी हमारे पास तैयार हो गया है। सिंपल सोबर है ये पेज, फिर भी देखने में अच्छा लग रहा है और अच्छी आभा बिखेर रहा है। और ऐसे ही अब हम फ्रंट पेज पे चलते हैं तो फ्रंट पेज भी बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से और अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने जो जितना भी काम किया है इसमें हमने ज्यादा कलर्स यूज नहीं किए हैं और पेपर को भी वाइट बेस रखा है, सिर्फ हमने थोड़ी सी पिक्चर्स यूज करी है, वो भी हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड की थी, उसी पे ही हमने सारा काम किया है। अब हम ये जो सैंपल है ये हम दिखाने के लिए तैयार कर सकते हैं, इसके बाद जो भी चेंजेस आती हैं क्लाइंट की तरफ से वो आप चेंजेस कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपका जो डिज़ाइन है वो प्रिंटिंग के लिए तैयार हो जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं इसी तरह के और भी अपने प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।